उपासना के वस्त्र दे दिए। ये चीरहरण कपड़ा चुरा लिए छुपा लिए, ये क्या लोग कहते रहते, दृष्टि होनी चाहिए। चीर ले, चीड़ ले लिए सारी गोपियों की चीड़। आज ठाकुर जी गौचारण करते हुए मथुरा की सीमा पर जा पहुंचे, चतुर्वेदियों के ऊपर श्री ठाकुर जी ने कृपा की नी, ब्रज की शोभाएं चौबे जी महाराज महाराज खुश हुआ, बड़े विद्वत पुरुष। रावण के समय रावण ने सारे वेदन को नष्ट करने को विचार कीन्यो कि सारे वेद नष्ट कर दू। उस समय जिसने दो वेद कंठस्थ किए वो द्विवेदी है गयो, यानी तीन वेद कंठस्थ कीने वो त्रिवेदी हो गयो, यानी चारों वेद कंठस्थ कर लीने वो चतुर्वेदी है गयो, जय एक भी वेद याद न भयो वो गुरु जी के आश्रम में भाज गयो, वो उपाध्याय हो गयो। द्विवेदी त्रिवेदी ये सब ये तब से आ रहे हैं सरनेम ब्राह्मणन के मारे, इतिहास की बात है। पर जाने चारों वेद हृदय में विराजमान कर लीने वो चतुर्वेदी है गई महाराज, ऐसा इतिहास हमने हम एक चौबीस जी महाराज ने सुनाया महाराज। और चतुर्वेदी इनको बड़ो सम्मान है हमारे विशेष श्री राधारमण जी में महाराज, राधारमण जी में विशेष सम्मान है उनको। जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्राकट्य भाव और तिरुभाव उत्सव मनायो जावे वामे श्री चतुर्वेदी जी महाराज ऊपर परंपरा से मथुरा से आमे और ऊपर गर्भगृह बिल्कुल बाहर जो चबूतरा है वाके कोना में बैठ करके खुले मंदिर में प्रसाद पावे महाराज। गोस्वामी को भी अधिकार ना है ना, वो उनको एक दिन अपरस में हम सर्व करें, ऐसी तदरस माधुर्यता महाराज। वापस लौटे रोज तो मैया स्वागत करती मिलती थी, आज कमरा में घुसने थे रोग दिनों, बाबा से जाके पूछो क्या हो रही है जो आज मैया का मन मेरे में नाए लग रहे हो, बोले इंद्र पूजन हो रहे हो है। इंद्र तो इष्ट नहीं है, बोले पर इंद्र वर्षा तो करता है। अच्छा वर्षा के चक्कर में तुमने इष्ट बदल डालो, अरे इंद्र कुछ विशेष करे जब तो पूजा का अधिकारी बने, बारिश तो करना बारिश कर रहा है जभी तो इंद्र है। डॉक्टर सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक इलाज करे तो ये तो सभी डॉक्टर करते हैं, पर कोई डॉक्टर रात में 2 बजे भी तुम्हारा इलाज करने को तैयार हो जाए तब ये विशेष डॉक्टर है। ऐसे इंद्र बारिश कर रहा बाको तो करेगो बारिश करेगो कैसे ना हम बैठे, पर यानी अपनी धर्म से बढ़कर के कछु ना कियो। अरे धर्म से बढ़कर के तो श्री गिरिराज जी हमारी सहायता करें, गिरिराज न होती तो ब्रज की सुरक्षा कैसे होती। पूजन गिरिराज को कियो जाए, सारी पूजा पद्धति बदल दी गई और खूब छप्पन भोग और खूब महाराज परमानंद अभिषेक श्री गिरिराज जी को कियो गयो। यहाँ पे भी लगो भयो है कथा है जाए, फिर बाकी बात आपको गिरिराज जी के इस दिव्य रस पक्ष का दर्शन करामेंगे। छप्पन भोग क्यों खूब भोग लगायो गयो, अब खूब महाराज अभिषेक भयो, सवरो भोग ठाकुर जी पाए गए, ब्रजवासीन को मोह बन गयो ये तो नयो देवता ऐसो लायो कि सवरो माल खुद ही खाए गयो जी। तो